अपनी शानदार व बेहतरीन अभिनय से फैंस के दिलों में जगह बनाने वाले नाना पाटेकर की बात करें तो मौजूदा दौर में नाना पाटेकर के स्टारडम में कोई भी कमी नहीं देखने को मिली है। आज भी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और इंडस्ट्री की तमाम बड़ी फिल्मों का हिस्सा भी बन रहे हैं। ये उन चुनिंदा कलाकारों में से एक है जो अपने बेहतरीन डायलॉगबाजी की वजह से काफी ज्यादा फेमस रह चुके हैं। नाना पाटेकर की आपने कोई भी फिल्म देखी होगी तो उस फिल्म में उनका किरदार के अलावा उनके डायलॉग को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया है और यही बड़ी वजह है कि आज भी नाना पाटेकर के चाहने वालों की कोई भी कमी नहीं है। इसी के साथ ही हम आपको इस बात की भी जानकारी देना चाहेंगे कि 1 जनवरी 1951 को जन्मे नाना पाटेकर आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं और जन्मदिन के इस खास मौके पर हम आपको नाना पाटेकर की जिंदगी से जुड़ा एक ऐसा दर्दनाक किस्सा सुनाने वाले हैं जो आज भी तरोताजा है। नाना पाटेकर की बात करें तो ये अपने वसूलों के पक्के हैं। एक बार जो कोई बात कह देते हैं तो फिर कभी ये पीछे नहीं हटते हैं। जितने शानदार अभिनेता नाना पाटेकर हैं उतनी ही उनकी निजी जिंदगी भी काफी ज्यादा सुर्खियों भरी रही है। इंडस्ट्री में नाम कमाने से पहले नाना पाटेकर ने भी खूब दुख तकलीफें सही हैं, क्योंकि नाना पाटेकर का बचपन गरीबी में गुजरा। उन्होंने 13 साल की उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया था। स्कूल के बाद नाना पाटेकर 8 किलोमीटर दूर चूना भट्टी में जाते थे और फिल्मों के पोस्टर पेंट करते थे ताकि एक वक्त की रोटी उन्हें मिल सके। इस तरह उन्होंने बचपन में अपना गुजारा बसर किया, लेकिन धीरे धीरे करके वो इंडस्ट्री में आ गए और उन्हें पहली फिल्म मिली। साल 1978 की बात है जब इन्हें पहली फिल्म गमन में काम करने का मौका मिला। इसके बाद नाना पाटेकर ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। नाना पाटेकर के अभिनय से लोग इतना ज्यादा प्रभावित हो गए कि आने वाले समय में तमाम निर्माता निर्देशक उन्हें अपनी फिल्मों में कास्ट करवाने के लिए काफी ज्यादा प्रयास करने लगे और धीरे धीरे उन्होंने कई सारी बड़ी फिल्मों में काम किया और इस दौरान उन्होंने अभिनय की एक अलग ही छाप छोड़ दी जो छाप आज भी बरकरार है। अब हिंदी नहीं बल्कि मराठी समेत कई सारी भाषाओं में उन्होंने काम किया है और उनके किरदार को हर भाषा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा पसंद किया गया है। अब नाना पाटेकर की यही शख्सियत को देखते हुए हर छोटा बड़ा कलाकार उनके साथ काम करने के लिए एक्साइटेड रहता है, लेकिन इंडस्ट्री में कई सारे ऐसे भी कलाकार रहे जिनके साथ नाना पाटेकर ने काम नहीं किया। उन्हीं में से एक है अभिनेता संजय दत्त। और नाना पाटेकर का संजय दत्त के प्रति ऐसा रवैया इसलिए हुआ क्योंकि संजय दत्त की वजह से नाना पाटेकर ने अपने भाई को खोया था। हुआ यूं कि नाना पाटेकर ने एक इंटरव्यू के दौरान संजय दत्त को लेकर एक बड़ा खुलासा किया था और इसी दौरान उन्होंने बताया था कि वह संजय दत्त के साथ कभी भी काम नहीं करेंगे। बताना चाहेंगे कि नाना अपने वसूलों के बहुत पक्के हैं, ऐसे में उस दौर में उनकी संजू बाबा के साथ ना काम करने की कसम ने भी सभी को चौंका के रख दिया था। वहीं नाना ने आज तक संजू बाबा के साथ काम नहीं किया है और आगे भी वो इस बात की इच्छा नहीं रखते कि वो संजय दत्त के साथ स्क्रीन शेयर करेंगे, लेकिन इसके पीछे का कारण भी काफी ज्यादा अलग है। उनके साथ ना काम करने को लेकर नाना पाटेकर का अपना अलग नजरिया है। इंटरव्यू के दौरान नाना पाटेकर का कहना था कि साल 1993 में बम ब्लास्ट में संजय दत्त ने भले ही सजा काट ली हो, लेकिन वो उनके साथ काम नहीं करेंगे क्योंकि साल 1993 में जो हुआ उस बात से वो बहुत ज्यादा दुखी हैं। दरअसल इस हादसे में नाना पाटेकर वर्ली बेस्ट बस ब्लास्ट में अपना भाई खोया था और उसी के गम को आज तक वो भुला नहीं पाए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा था कि मेरी पत्नी की भी उस हादसे में मौत हो जाती अगर वो दूसरी बस नहीं लेती। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसके लिए संजय दत्त जिम्मेदार है, लेकिन इस हादसे में उनका थोड़ा भी हाथ है तो मैं उनके साथ काम नहीं करूंगा। ये निर्णय उन लोगों के लिए है जो इस हादसे में मारे गए। तो दोस्तों, ये थी वो सबसे बड़ी वजह जिसके चलते नाना पाटेकर ने आज तक संजय दत्त के साथ काम नहीं किया। संजय दत्त इंडस्ट्री से जुड़े हुए उन बेहतरीन सितारों में से एक है जो आज भी इंडस्ट्री में बरकरार है, लेकिन सबके बावजूद नाना पाटेकर ने कभी भी उनके साथ ना काम करने की कसम खाई है, जिस कसम को उन्होंने आज तक बरकरार रखा है। इसी के साथ ही हम आपको इस बात की भी जानकारी देना चाहेंगे कि नाना पाटेकर अपनी हर एक बात बड़ी बेबाकी से लोगों के सामने रखते हैं, चाहे उनके इंटरव्यूज हों चाहे सोशल मीडिया पर उनके पूछे गए सवाल, हर बात का वो बड़ी बेबाकी से जवाब भी देते हैं। हालांकि इसी कड़ी में आज वो अपना जन्मदिन मना रहे हैं और जन्मदिन के इस खास मौके पर आप उन्हें जन्मदिन की बधाई देना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप उन्हें जन्मदिन की बधाई दे सकते हैं।